सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। दोस्तों आदाब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है दिल्ली के रंग नुमान के संग। आज इस प्रोग्राम के आगाज़ में अहमद फराज का ये शेर इसलिए भी पढ़ा क्योंकि आज जायके के लिए हम दरियागंज के कोतवाली के पास खड़े हुए हैं। वहाँ पर ना सिर्फ वो जायका है जिसको हम ज़बान से चखते हैं, यहाँ वो भी जायका है जिससे हम कानों से महजूज होते हैं, कानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और अपनी जितनी भी दिन भर की परेशानी होती है उसको कहीं थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं। और ऐसे ही एक शख्स यहाँ पर हैं, छोले कुलचों के लिए बहुत मशहूर हैं। आज जायका जानेंगे उनके हाथ का भी और सुनेंगे उनकी ज़ुबान को भी। अभी मैं लगा दी भैया जी, मक्खन लगा दी मैंने आपके लिए भैया जी, अमूल बटर भैया जी। अमूल बटर ज़रूरी है? बिल्कुल भैया जी, यही तो दुकानदार बढ़िया जी जो ग्राहक लूट के खाए। बेटे सोचा आप मक्खन निकाल बैठे जरा इसमें से बटर। इस इलाके में और भी छोले भटूरे वाले हैं, यहीं पर क्यों आएगा कोई? मैं सबसे बड़ा फ्रॉड दुकानदार हूँ बाबू जी, ऐसे ग्राहक। अरे बेटा बटर निकाल बेटे, दही तो बीमार खाते हैं आजकल, अमूल खिला रहे बेटा, सेहतमंद है ग्राहकों की। अरे पूछो भैया, तीन तीन गाड़ी ले रखी भैया जी, दो दो गर्लफ्रेंड है भैया जी, टीसी छोड़ दी मैंने भैया जी, और चलती कहीं बताती कहीं मेरे भैया जी। ये लो मेरे भैया दूध का गिलास। टेस्टी अलग है, पूरी जमुना बार मैंने मिला था टेस्ट। अंकल जी दिल ही खुश कर देते जब खाने आते हैं, बात ही ऐसे करते हैं, दो तीन कुलचे और एक्स्ट्रा भी खाने को बन जाता था। छोले तो बहुत सारी जगहों पर आपको मिल सकते हैं लेकिन कुलचे के साथ यहाँ छोले और उसके साथ साथ हरीश भाई की ज़बान का जायका, वो इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो आज ये रीज़न भी पता लगा कि यहाँ पर लोग बार बार क्यों आते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए थोड़ा मसाला तीखा होता है और जो कुंवारे हैं या बच्चे हैं उनके लिए मसाला थोड़ा हल्का रखते हैं, लेकिन ज़बान के मसाले पर इनका अभी तक भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप अगर आते हैं तो दरियागंज में हैप्पी स्कूल के पास और SDM ऑफिस के बिल्कुल बाहर हरीश भाई आपको मिलेंगे। ये वो नाम है जो इनके आधार पर है और जो इनके वालदेन ने यानी इनके माता पिता ने इनको दिया है। उसके अलावा जो सोसाइटी ने इनको नाम दिया है वो मैं लेना नहीं चाहता यहाँ पर, क्योंकि उर्दू वालों के लिए ख़ास तौर से ये ज़रूरी होता है कि किसी भी नाम को तहजीब के साथ और अदब के साथ इस्तेमाल किया जाए। इसलिए जब तक भी ये हैं, हरीश नाम है इनका, और आप जब भी आएँ इनके छोले कुलचे ज़रूर खाएँ और खाने के बाद थोड़ी देर इनकी बातें ज़रूर सुन लें। उससे उम्मीद है कि ऐसा ज़रूर होगा कि शायद पूरे दिन का जितना भी आपके जहन के ऊपर प्रेशर हो वो आउट हो जाए और आप यहाँ से हल्के फुलके होकर के जाएँ। दोस्तों छोले कुलचों के बाद अब हमने रुख किया, क्योंकि दोपहर का वक्त है और इस वक्त ज़्यादातर लोग रोटी पराठा ये खाते हैं, और दरियागंज में अब एक ऐसी दुकान पर हैं जहाँ पर आपको मम्मी के हाथ का जायका, जी हाँ मम्मी के हाथ की रोटी मिल सकती है यहाँ पर। जहाँ आज भी देश के अंदर अलग अलग फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों के बराबर अपनी हिस्सेदारी दिखा रही हैं, लेकिन ये एक फील्ड ऐसी है जहाँ वो उनकी अपनी जागीर है, किचन। किचन के अंदर आप उनसे नहीं जीत सकते, और अगर उसको लेकर के वो मार्केट में आ जाएं, बाज़ार में आ जाएं और लोगों को उनके हाथ का जायका मिलने लगे तो ये बहुत अच्छा होता है खाने के शौकीन अफराद के लिए। इसलिए यहाँ पर बड़ी तादाद होती है खाने वालों की, और लोग जो पराठा या रोटी खाना चाहते हैं बिल्कुल ऐसी जो उनको घर जैसी मिल सके, उसके लिए वो दरियागंज में यहाँ इस दुकान पर ज़रूर आते हैं। आज हम जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पराठे बनते हैं और किस तरह से उनको तैयार किया जाता है। सबसे ज़्यादा हमारे आलू के ज़्यादा जाते हैं, लेकिन लाइक सारे किए जाते हैं, सारे अच्छे बनते हैं। आलू, मूली, गोभी, प्याज, पनीर, मिक्स, सारे अच्छे हैं। प्लेन पराठा होता है, हमारे पास सब्जी भी होती है, एक दही होता है, रायता होता है, वो अलग से है। तो मतलब आलू हमारा ज़्यादा निकलता है, आलू प्याज मिक्स भी होते हैं, मिक्स भी रहते हैं, प्याज भी ना, प्याज प्याज एक कंटे ये हमारे घर जैसे टेस्ट होता है। हम ऐसे चालू काम नहीं करते, जैसे हम घर में बनाते हैं वैसे ही यहाँ बनाते हैं। प्राइस रेंज क्या रहती है मैम आपकी? प्राइस ये आलू का हमारा 25 का एक है, गोभी का 30 का है, मिक्स का 30 है, सबके अलग अलग रेट हैं। पनीर प्याज अलग है, प्याज का है, हम घर के जैसे बनाते हैं बनाते, तो लड़कों और हमारे में फ़र्क भी तो होगा ना। हम घर के जैसे खाना बनाएंगे, वो प्रोफेशनल बनाएंगे, हम अपने घर समझ के बनाते हैं। घर की बात, घर का स्वाद, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं सर। कौन सा पराठा टेस्ट किया आ जाता है अभी? अभी तो सादा पराठा टेस्ट किया, आलू का ले रहा था।
ये है पनीर का पराठा और इसको आप देख सकते हैं कि इसको कितनी खूबसूरती के साथ एक चटनी और अचार के साथ दिया गया है। बहुत शानदार, बिल्कुल घर का मज़ा है, बहुत उम्दा। आप आएँ तो यहाँ पर पराठा खाना ना भूलें। ये पनीर पराठा मैं खा रहा हूँ उस वक्त, बहुत अच्छा बनाया है और ज़्यादा घी नहीं है ना इसके अंदर, किसी चीज़ की एक्सेस आपको मिलेगी कि नमक या कोई चीज़ ज़्यादा है। बहुत उम्दा और बहुत ही हिसाब से हर चीज़ का जायका बहुत सेट है हर चीज़। इंडियन पराठों से चार कदम की दूरी पर है चाइनीज़ तड़का। भाई मैं बहुत दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ पर चाइनीज़ तड़का पर, और मैं पहले भी बहुत दफ़ा खा चुका हूँ यहाँ पर खाना, और आज मैं अपने मम्मी पापा के लिए लेने आया हूँ यहाँ पर, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना। हमारे मोमोज होते हैं, बहुत बेस्ट होते हैं, चाउमीन है, पास्ता है, फ्राइड राइस है, क्रंची मोमोज हैं, ग्रेवी मोमोज हैं, मलाई मोमोज हैं, तंदूरी मोमोज हैं, स्प्रिंग रोल है, तवा रोल है, मंचूरियन है, चिल्ली पनीर है। हाँ जी, हाँ जी, रोल का मेनू देखो। हाफ प्लेट ग्रेवी मोमोज जो है हमारे पनीर वाले, वो 70 रुपीज़ के हैं, फुल 120 के हैं, और ऐसी वो वेज में आता है, वेज में हाफ 50 की है, फुल 100 की है। चाउमीन में काफ़ी वैरायटी है हमारे पास, सिंगापुरी है, चिल्ली गार्लिक है, चिल्ली ऑनियन है, पनीर चाउमीन है, वेज चाउमीन है, काफ़ी वैरायटी है। 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक फ्रेश होकर बनता है, साफ़ सफाई के साथ। ये खुद हम आपके सामने बनवाते हैं सारा माल, कोई लेबर वाला हिसाब किताब नहीं है। अच्छे हैं, क्रिस्पी मोमोज अच्छे हैं, चिल्ली चिकन चाउमीन अच्छी है, चिल्ली चिकन चाइनीज स्पेशल में अच्छा है इनका खाना। पॉइंट के बाद अब यहाँ के ये मशहूर समोसे, जहाँ शाम को बहुत अच्छी खासी भीड़ रहती है, और ये आलू और मटर के समोसे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं संतुष्टि भोजनालय। और यहाँ पर आकर के समोसा खाने के बाद वाकई ऐसा लग रहा है कि संतुष्टि मिल रही है। तो अगर आपको भी संतुष्टि चाहिए खाने के मामले में, और ना सिर्फ ये कि टेस्ट के साथ साथ थोड़ी मन की शांति भी चाहिए, तो यहाँ आकर के संतुष्टि भोजनालय मैंने आपको दिखाया अभी, यहाँ पर आकर के ये समोसा खाना ना भूलें। अभी इनकी गुलाब जामुन खानी बाकी है, ये कैसी गुलाब जामुन बनाते हैं, लेकिन हाँ समोसा बहुत अच्छा है, 20 रुपये में ये जो प्लेट है बहुत अच्छी। मटर बढ़िया, आलू बढ़िया, मसाले प्योर, धनिया पुदीना की चटनी, प्योर अमचूर वगैरह से सब फर्स्ट क्लास करके जैनमन जी बनाते हैं। फिलहाल में तो दो प्रकार की बना रहे हैं हम, केवल मटर के और आलू मटर के, 3.5 से 7 बजे तक। और अगर हम मैं प्राइस की बात करूँ तो कितने रुपए की प्लेट है और कितने समोसे एक प्लेट में? इधर लो, ये एक प्लेट 20 रुपए की है आलू मटर की, और मटर के 24 रुपए के हैं, मतलब पर पीस मटर का 12 रुपए का और आलू मटर का 10 रुपए का है। बहुत बढ़िया, प्रेम प्रजापति ने अपने नाम के अकॉर्डिंग इसमें इतना प्रेम डाला है कि उससे ना सिर्फ इसकी मिठास और टेस्ट दोनों बढ़ गए। वाकई प्रेम प्रजापति जी, ना सिर्फ समोसे, इनकी गुलाब जामुन का भी कोई जवाब नहीं। अंसारी रोड पर जायकों को चखने के बाद अब हम आ गए हैं दरियागंज मेन रोड पर, और तो यहाँ पर क्या कुछ खास है उसके जायके और क्या लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं उसको जानेंगे। तो स्टार्ट हुए 2 महीने हुए हैं अभी हमारे आउटलेट को, 19 तारीख को 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे ये जो येलो बॉल चेन है ये शाहदरा से स्टार्ट हुई थी 2016 में, और अभी हमारे टोटल 11 आउटलेट हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो हमारा इसके पीछे बैक ऑफ द माइंड एक प्रोग्राम चल रहा था कि ये पूरा एक नॉनवेज का हब है, यहाँ पर नॉनवेज की हर तरीके की वैरायटी अवेलेबल है, और वेजिटेरियन में यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो हमारा सबसे जो टारगेट था वो यही था कि हम यहाँ पर जो लोग बाहर से वीकेंड मनाने आते हैं उनमें कुछ ना कुछ वेज के भी लोग होते हैं जिनको वेजिटेरियन कोई अच्छा स्टाफ मिलता ही नहीं है,
और जो लोग यहाँ पर रहते हैं और वो नॉनवेज खा खा कर बहुत ज़्यादा पक चुके हैं, तो उन लोगों को भी एक सर्विस चाहिए थी कि कोई अच्छा आउटलेट हो जो वेज का हो, यही सोचकर हमने खोला, जिसके अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। क्या बिक रहा है? हमारा चाइनीज़ फूड में कंप्लीट रेंज है। हमारे पास मोमोज़ की एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी वैरायटी है, वेज मोमोज़ में, तंदूरी मोमोज़ में, पनीर मोमोज़ में, हर उसमें हमारे सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद नूडल्स हैं, नूडल्स हमारी स्पेशलाइजेशन है, हमारे पास जो शेफ़ हैं उनका स्पेशलाइजेशन एक का है, तीन हमारे हेड शेफ़ हैं जिनका एक का तंदूरी में स्पेशलाइजेशन है, एक का सारे चाउमीन वगैरह में स्पेशलाइजेशन है, और एक का सारा जितने भी नूडल्स वगैरह बनाते हैं उसमें। अगर आप हमारा मेन्यू देखेंगे तो हमारे कस्टमर्स हमसे कह के जाते हैं कि भाई आपके जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है और जो आपके प्राइस है वो आपके बहुत रीज़नेबल प्राइस है। मतलब हमारे पास 90 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 200 रुपीज़ तक का है, और 200 रुपीज़ में एक आराम से बिल्कुल आप मतलब एक अच्छी तरीके से पेट भर के जाएंगे। पनीर फ्राइड मोमोज़ जो यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद किए जाती हैं डिशेज़, उनमें से एक ये भी है, तो यही हमारे लिए पेश किया गया और इसको खाने के बाद पता लगाते हैं आखिर इसके अंदर अलग ज़ायका क्या है। कैसा लगा? बहुत शानदार, मतलब पनीर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मोमोज़ में कहीं कोई ऐसी हार्डनेस नहीं नज़र आ रही जैसे आमतौर पर जो बहुत सारी जगहों पर मोमोज़ होते हैं, कहीं हार्ड है कहीं सॉफ्ट है, पूरा एक जैसा है। और मसाले बहुत तेज़ नहीं हैं, ऐसे हैं जो आप फैमिली के साथ खा सकते हैं, यानी कि बच्चे परेशान हो रहे हैं आप। चटनी बहुत ज़ायके की है और ये जो मेन्यू इन्होंने बनाई है उसके अंदर भी कुछ अलग ज़ायका देने की कोशिश की है, इससे वाकई इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे साथ अशरफ साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि अगर इसके अंदर और अपनी तमाम चीज़ों में क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को बरकरार करने के लिए, रखने के लिए क्या कुछ वो करते हैं। पनीर फ्राई मोमोज़, तो हमारी जो मोमोज़ की स्पेशलिटी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे मोमोज़ मिलते हैं, पनीर के ही मिलते हैं, लेकिन जो पनीर हम यूज़ करते हैं वो बिल्कुल एकदम फ्रेश ही यूज़ करते हैं। और पनीर जो मार्केट में मिलता है वो बहुत तरीके का पनीर मिलता है, सस्ता भी मिलता है महंगा भी मिलता है। जो हमारा पनीर आता है तो सीधा मंडी से हम मंगाते हैं और 200-460 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आता है वो, और क्वालिटी वाला पनीर होता है, डेली का हमारा फ्रेश पनीर यूज़ होता है हमारे। सेकेंडली चीज़, हमारे जो मोमोज़ की वैरायटी है, मोमोज़ के अंदर जो भी स्टफिंग भरी आती है, चाहे वो वेजी मोमोज़ हो, चाहे वो सोया मोमोज़ हो, चाहे वो पनीर मोमोज़ हो, तीनों तरह के मोमोज़ के अंदर हमारी पूरी कंप्लीट रेंज है। आपने जो मेन्यू देखा होगा नीचे हमारा, उसमें बहुत बड़ी रेंज है उसके अंदर। उसमें शेज़वान मोमोज़ भी हैं, उसमें मंचूरियन मोमोज़ भी हैं, उसमें ड्रैगन मोमोज़ भी हैं, हमारे पास मलाई मोमोज़ भी हैं हमारे पास, आप कंप्लीट रेंज है उस पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इन हाउस ही जो हमारे सारे शेफ्स हैं वो सुबह उसको प्रिपेयर करते हैं, उसे हमारे यहाँ पूरी अपनी स्टफिंग जो उसकी होती है, फिलिंग जो होती है वो अपने यहाँ ही होती है हमारे। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, जो हम इसमें मसाले भरते हैं, मसाले भी नंबर 1 भरते हैं हम इसमें, और जो इसमें फिलिंग जो हमारे इसकी जो मैदे का जो उसकी आउटर लेयर बनती है वो भी बहुत बारीक 0.5 mm की बनती है वो, और ताकि कस्टमर को मैदे का फील ना आए उसमें। वो आप खा रहे होंगे तो आपको फील नहीं आ रहा होगा उसका, जगह जो फ्राई हो गई। बताना चाहूँगा जो हमारी USP है इस वक्त, सबसे ज़्यादा जो होम डिलीवरी हम विदिन 5 किलोमीटर में करा रहे हैं, तो वो बिल्कुल फ्री होम डिलीवरी करा रहे हैं। दूसरा, जो हमारे पास सिटिंग स्पेस है जो फुल्ली AC है और बहुत हाइजीनिक स्पेस है, उसमें किटी पार्टीज़ और बर्थडेज़ का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हो रहा है, जो बच्चे बहुत खुश होकर जा रहे हैं क्योंकि बहुत रीजनेबल प्राइस भी है उनके, तो वो उनके विद इन दी बजट हो जाता है और अच्छा इन्वायरमेंट उनको बैठने के लिए मिल जाता है। दूसरा, हमने एक कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट चलाया हुआ है, जो हमारे जनरल वॉकिंग हैं उसमें अगर कोई जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है तो अगर उनकी एक शॉट लगी हुई है तो हम उनको 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, और अगर दोनों शॉट्स उन्होंने वैक्सीन के ले लिए हैं तो हमको 20% फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे येलो बाउल यानी पीले प्याले के जायके, जहां आपको मोमोज़ में बहुत वैरायटी मिल जाएगी, चाउमीन के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, मलाई चाप, सोया चाप इनकी बहुत मशहूर है। तो अगर आप कभी भी दरियागंज जाएं और बिल्कुल आपको वेजिटेरियन खाना हो और कुछ चटपटा भी खाना हो तो येलो बाउल के लिए ये आपका एक बड़ा अच्छा मकाम है। यहाँ पर येलो बाउल के नाम से यहाँ पर आएँ, अपनी जो भूख है उसको मिटाएं, जायका लें
और इसी के साथ आज की ये हमारी प्योर वेजिटेरियन जो पेशकश थी ये भी यहीं मुकम्मल होती है। हम फिर हाजिर होंगे पुरानी दिल्ली के कुछ और जायकों के साथ, तब तक के लिए रोमान को दे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।